हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूँ उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम क्लास 12th के बारे में बात करेंगे। मैथ सुबह 7 बजे, फिजिक्स प्रतिदिन शाम 7 बजे चलेगा, केमिस्ट्री शाम 8 बजे चलेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का वीडियो बनाया जा रहा है। त्रिकोणमिति फलन चैप्टर का नाम है। आगे बात करेंगे ये कौन सा प्रश्नावली है। तो प्रश्नावली आपके सामने दिख रहा है 2A और ये भाग 5 बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल समझिए कि भाग 5 बनाया जा रहा है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था भाग 4, तो भाग 4 को मैंने कंप्लीट कर दिया है जिसमें 15 क्वेश्चन तक मैंने पूरे कवर कर दिए हैं। लेकिन भाग 5 में हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी इसके पीछे की वीडियो देख चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 16 से देखना प्रारंभ करें, और जितने 15 तक क्वेश्चन अभी नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने देखा है दिया है, वहां से आप 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये टोटल के टोटल जो बनाया जा रहा है त्रिकोणमिति फलन, ये हर्षरूप शर्मा की किताब से बनाया जा रहा है। ठीक है, हर्षरूप शर्मा की किताब से बनाया जा रहा है। जो जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर यहां पे दिख रहा है, यदि टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपन एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू अब प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपन एक्स प्लस टू बराबर 5/4 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ विद्यार्थी यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत खा जाते हैं। ये जो वैल्यू दिया है ये इसका इसके बराबर दिया है, तो कुछ लोग क्या करते हैं इसको सिद्ध करना शुरू कर देते हैं कि ये इसके बराबर सिद्ध करना है। ऐसा नहीं करना है, हमें ये मान दिया गया है, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर के होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो टेन इनवर्स ये टोटल एक्स का काम करेगा और ये वाई का काम करेगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर ये फॉर्मूला में लगाना है। लगा लेते हैं टेन इनवर्स, अब एक्स प्लस वाई है तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, प्लस वाई की वैल्यू है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई है तो वहां पे भी करेंगे वन माइनस, ये हो गया इंटू वाई। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब इसको करना है सॉल्व, बस सॉल्व कर लेंगे सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा हमारा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, ये हो गया एलसीएम। इसके बाद समझिए क्या करना है, एक्स प्लस टू को यहां पे गुणा करना है, एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, फिर प्लस बीच में एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन करिए एक्स माइनस टू करिए, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं टोटल के अपॉन, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम वही आ जाएगा, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, ये हो गया एलसीएम। इसके बाद अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा वन में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, फिर बीच में माइनस है माइनस लगाएंगे, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हो गया, ये टोटल किसमें है टेन इनवर्स। ठीक है, इस तरह से मैंने कर लिया। अब देखिए समझना है, बस सॉल्व करना है। ये देखिए इस हर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचा, अब यहां पे इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, उसको लिखना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं डायरेक्ट क्या क्या होगा, यहां पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, यहां पर मैंने इसका गुणा कर लिया, फिर प्लस लगाएंगे, इसका गुणा करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। इस तरह से मैंने ऊपर का गुणा कर लिया, बट्टे में आते हैं नीचे गुणा करेंगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस
एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, तो इससे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस करेंगे यहां पर करेंगे तो ये भी फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर, लेकिन यहां पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है वन, और यहां पे क्या है टेन इनवर्स। ठीक है, ये तो सिंपल चल रहा है, लेकिन एक चीज और आपको फोकस करना है ऊपर कि ये जो वैल्यू टोटल दिया है वो फाइव बाई फोर के दिया है, तो हम यहां पे क्या करेंगे बराबर फाइव बाई फोर भी करेंगे। ठीक है, बराबर फाइव बाई फोर तो लेकर चलेंगे क्योंकि ये टोटल बराबर के दिया है, और यहां पर जो करेंगे फाइव बाई फोर नहीं करेंगे, यहां पे लिखेंगे टेन फाइव सॉरी फाइव बाई फोर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए इसको रहने देते हैं अभी फाइव बाई फोर को, इसको रहने देते हैं और यहां पे भी रहने देते हैं पाई बाई फोर। क्लियर है, अब देखिए यहां पे सॉल्व करना है कैसे कैसे कटेगा, ये जुड़ेगा ये टू एक्स से, ये टू एक्स से कैंसिल कैंसिल हो गया, ये एक्स से एक्स कैंसिल। ठीक है, जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं यहां पे पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से मिलकर टू एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस टू मिलकर माइनस फोर अपॉन ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस चार में से एक जाएगा माइनस तीन, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें देखना है इसके पहले क्या है टेन इनवर्स, तो लिखेंगे टेन इनवर्स बराबर की क्या है पाई बाई फोर। ठीक है, तो यहां तक हो गया, चलिए अगले पेज पर बता देते हैं। तो देखिए मैंने यहां तक तो कंप्लीट कर दिया था, अब ये जो टेन इनवर्स है इसको हम भेजेंगे राइट हैंड साइड बराबर के इस साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री बराबर की, ये टेन में चेंज हो जाएगा पाई बाई फोर, इनवर्स था बराबर के उस साइड जाएगा टेन में चेंज हो जाएगा। अब टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस तीन बराबर की टेन पाई बाई फोर का वैल्यू होता है वन, तो यहां पे हो जाएगा वन। अब इसका गुणा करेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर के माइनस तीन। ठीक है, इस फोर को भेजेंगे राइट हैंड साइड, टू एक्स स्क्वायर बराबर माइनस तीन, ये हो जाएगा प्लस चार, यहां पे माइनस था बराबर के साइड जाएगा प्लस चार। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर बराबर इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा वन, क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा का चिन्ह लगा दिया, फिर एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो वन अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है, एक्स की केवल वैल्यू निकालेंगे तो वन अपॉन रूट टू आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू जो हमें ज्ञात करना था, तो ये वैल्यू जो आएगा वो प्लस माइनस दोनों में आएगा, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आया होगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अपने बेसिक को तैयार रखना है, क्योंकि सारा मैटर जो मैंने सॉल्व किया है वो बेसिक के तौर पे ही सॉल्व किया है। चलिए 17 नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, और यहां पे कॉमा है, उसके बाद बोला है माइनस पाई बाई टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री पाई बाई टू, एक्स का जो वैल्यू होगा ये इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं, कुछ सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसको सरल करना है, छोटे से छोटे करते जाना है कि कितना आप सरल कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बस आपको समझना है कि हमें कैसे करना है। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, अपने आप से पूछिए कि क्या ये आप क्वेश्चन लगा लेंगे, अगर नहीं लगा लेंगे तो चलिए मैं बताता हूं कि कैसे इसे लगाना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला बताएंगे कि हम इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए टेन इनवर्स तो छोड़ देते हैं, उसको हम लगाएंगे, कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, वन का फॉर्मूला लगाएंगे और साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। सरलतम रूप का मतलब है कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हम इसको छोटा कर दें, तो इसका सिंपल मेथड है कि हम इसको इस रूप में चेंज करें कि इसमें टेन आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये टेन इनवर्स है, अगर इसको टेन के रूप में चेंज कर देंगे तो टेन इनवर्स टेन में चेंज होकर कुछ मान आ जाएगा, वो सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको टेन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे नंबर वन फॉर्मूला कॉस एक्स का लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए कॉस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अब माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, देखिए ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन अगर टू यहां से हटा देंगे तो यहां पे बाई टू आ जाता है। ये अपवर्ड का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्योंकि आप अगर इंटर में पढ़ रहे हैं तो आपको त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये पहला फॉर्मूला हो गया जो कि हम ऊपर लगाएंगे। अब वन के लिए क्या यूज करेंगे, नंबर टू फॉर्मूला, वन के लिए लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू,
ये बराबर होता है 1 के। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने x by 2 क्यों लिया, क्योंकि अगर हम cos x को x by 2 के रूप में लिख रहे हैं तो इसको भी x by 2 के रूप में ही लिखेंगे ताकि हम सरल करने में आसानी हो हमें। ठीक है, कभी भी sin स्क्वायर x प्लस sin square x plus cos square x बराबर 1 वाला फॉर्मूला यहाँ पे मत लगाइएगा, क्योंकि हम ऊपर जो cos x का फॉर्मूला लगा रहे हैं वो x by 2 का लगा रहे हैं, तो हम 1 में भी x by 2 का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सरल करने के लिए। अब आता है sin x, तो इसका भी फॉर्मूला होना चाहिए। देखिए नंबर 3, आपको पता है sin 2x का जो फॉर्मूला होता है उसी को हम चेंज करेंगे, तो ये sin x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin x by 2 into cos x by 2, ये होता है sin x का फॉर्मूला। क्लियर है? अब यहां तक जब तीन फॉर्मूले हमें मिल चुके हैं तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सभी में मान रख के सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हम पुट करेंगे cos x बराबर ये फॉर्मूला लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं tan इनवर्स cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, ये ऊपर का फॉर्मूला हो गया। नीचे आते हैं, नीचे करेंगे क्या, अब 1 है, 1 के लिए क्या होगा, sin स्क्वायर x बाई 2 अब प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, फिर माइनस आ जाता है माइनस sin x का फॉर्मूला ये लगाएंगे 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। ठीक है, यहां तक मैंने टोटल फॉर्मूला लगा दिया। अब आगे समझिए, देखिए a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिख रहा है ये फॉर्मूला किसका बनेगा, यहां पे एक और फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला है a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का, यहां पे नीचे जो दिख रहा है वही फॉर्मूला लगाएंगे, और ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला दोनों हम ऊपर नीचे लगाएंगे। ठीक है, तो ऊपर जो लगाएंगे सेकंड नंबर, नीचे जो लगाएंगे ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टैन इनवर्स, देखिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, तो लिखेंगे cos x by 2 अब प्लस sin x by 2 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में cos x by 2 अब माइनस sin x by 2, ये हो गया ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नीचे, जितने भी विद्यार्थी इस समय कमेंट कर रहे हैं वो ज्यादातर स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि गुड मॉर्निंग बोलने से ज्यादा कुछ होगा नहीं। आप गुड मॉर्निंग, मैं आपको सभी को बोल देता हूं कि गुड मॉर्निंग, इसके साथ साथ आप स्टडी करें, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो पढ़ें, ज्यादा कमेंट करने से ज्यादा बेटर होगा कि आप स्टडी करें। ये हो गया, अब नीचे लगाते हैं, नीचे लगाएंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हो जाएगा साइन एक्स बाई टू अब माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर समझिए क्या होगा, देखिए यहां तक तो मैंने कर लिया, लेकिन एक छोटी सी हमने गलतियां किया है, उस गलतियां को हम आपको सुधारना चाहते हैं कि आप लोग ये गलतियां ना करें। मैं ये गलतियां क्यों कर दिया, क्योंकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि ऐसा अगर करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। क्या गलतियां हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये 1 का फॉर्मूला होगा। ठीक है, माइनस ये साइन एक्स का फॉर्मूला होगा। तो ये जो चीजें हैं, इस फॉर्मूले को हमें इस रूप में नहीं चेंज करना है, इसी चीज को बस कॉस यहां पे साइन यहां पे करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें कॉस को यहां पर लिखना पड़ेगा, साइन को यहां पर, क्योंकि ये प्लस में है, इसको यहां पे हम वहां पे लिख सकते हैं। तो अगर हम लिखते हैं यहां पे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू कॉस एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो यहां पे फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, वो बनेगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर का बनेगा। तो यहां पर हम चेंज करेंगे क्या चीजें, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा अगर हम इसके मान में हम क्या करते हैं
चेंज कर देते हैं, ये यहाँ पे मैटर नहीं रहेगा, इसके बटे ये। ठीक है, समझ में आई बातें? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। साइन कॉस को यहाँ पे लिखिए, साइन को यहाँ पे लिखिए, क्योंकि ये प्लस में है, आगे पीछे कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पे लिखिए, इसको यहाँ पे लिखिए, क्योंकि ये गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं। तो करने से हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। मैं ये फार्मूला क्यों बनाया हूं, क्योंकि मैं इसको इससे कैंसिल कर सकूं। ये टोटल ब्रैकेट देखिए, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये इस ब्रैकेट से कैंसिल होगा। यहां पर दो बार है, यहां पर केवल एक बार है, तो ये इससे कटे, एक बार बचेगा। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये ऊपर बच गया, ये तो कट गया। अब नीचे क्या बचेगा? वही चीजें बचेगा, एक बार बचेगा, कॉस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू, ये चीजें बचेगा। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। चलिए अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया था। अब देखिए, कॉस एक्स बाई टू से हम क्या करेंगे, भाग देने पर सभी में, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में, चौथे में, सभी में कॉस एक्स बाई टू से भाग देंगे। तो क्या बचेगा देख लीजिए, टेन इनवर्स, पहले में भाग देंगे तो वो हो जाएगा वन, फिर प्लस, दूसरे में भाग देंगे तो वो हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। समझ में आ रही बातें? साइन बटे कॉस बराबर टेन, एंगल वही रहेगा। नीचे आते हैं, इसमें भाग देंगे वन, ये हो जाएगा माइनस, इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। ठीक है, चेंज कर दिया। अब देखिए, इस ब्रैकेट में भी मैंने टेन के रूप में चेंज कर दिया, सिंपल है। अब देखिए, वन प्लस टेन एक्स बाई टू, वन माइनस टेन एक्स बाई टू, दिख रहा है। अब यहां पर हमें थोड़ा सा चेंज और करना है। देखिए क्या चेंज करना है, ये एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन रहा है हम आपको बता देते हैं। फॉर्मूला बनेगा आपका टेन एक्स प्लस वाई का बराबर क्या होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, ये बनता है। तो यही चीजें हम इसको क्रिएट करेंगे, कैसे समझिए, टेन इनवर्स ब्रैकेट में वन को लिखेंगे टेन पाई बाई फोर, लिख सकते हैं क्योंकि पाई बाई फोर का ही वैल्यू वन होता है, फिर प्लस टेन एक्स बाई टू, ये मैंने छोड़ दिया। आते हैं नीचे, वन माइनस, वन माइनस, अब यहां पर देखिए हम वन तो लिख सकते हैं, वन इंटू कर सकते हैं, क्योंकि वन से गुणा करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो वन से गुणा करेंगे तो वन को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, फिर इंटू क्या है टेन एक्स बाई टू। ठीक है, इस तरह से कर लिया। अब समझिए, टेन ए, यहीं पे फॉर्मूला देखिए, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, फॉर्मूला ये दिख रहा है। जब ये चीजें बन रहा है तो हमें ये चीजें बनाना है, बना लेते हैं। टेन इनवर्स ये फॉर्मूला बनेगा क्या, टेन एक्स का वैल्यू है पाई बाई फोर, ये हो गया। अब प्लस यहां पे x बाई टू, ये हो गया। ठीक है, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला यहां पे मैंने बना लिया। ठीक है, अब tan से tan कैंसिल होगा, एक इनवर्स में, एक इनवर्स में नहीं, एक पावर वन में है। अब यहां पे बचेगा क्या, फाइव बाई फोर अब प्लस x बाई टू बचेगा। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम लेने से कोई मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि चलिए एलसीएम लेके भी देख लेते हैं, एट आएगा तो यहां पर हो जाएगा टू फाई अब प्लस फोर एक्स, इस तरह से आएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं, आप यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको नहीं लिखिए, यहीं पे छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा समझ में आया होगा, बस आपको समझना है कि किस मेथड से करना है। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लंबा हो गया, नहीं तो मैं धीरे धीरे आपको समझाता तो क्लियर हो जाता कि कैसे इसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में निम्न फलन को सरलतम रूप में लिखना है, टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे पहला लिया मैंने, 18 क्वेश्चन में करीब देखा जाए तो सात क्वेश्चन मौजूद है, तो पहला मैंने ले लिया है। अब यहां पे थोड़ा सा हम फास्ट बताना शुरू करेंगे, अभी तक मैं स्लो बता रहा था। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स बराबर आपको रखना पड़ेगा टेन थीटा, ये हम क्या करेंगे, रखने पर माना
x बराबर tan थीटा रखने पर x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। चलिए रख लेते हैं tan इनवर्स ब्रैक रूट में 1 प्लस x के स्थान पे हो जाएगा tan वो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से माइनस 1 अपॉन में x है तो ये हो जाएगा tan थीटा। सिंपल है, इतना मैंने कर लिया। अब आगे समझिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे tan इनवर्स यहां पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये रूट में माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर है? अब आगे स्क्वायर से बाहर, ये स्क्वायर है रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा अब माइनस 1 अपॉन tan थीटा, यहां पे tan इनवर्स। सिंपल है। अब इसके आगे समझिए, यहां पे जो sec है उसको हम cos में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा अब माइनस 1 अपॉन, ये जो tan थीटा है इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। समझ में आ रहा है, sec थीटा को मैंने ये चेंज कर दिया, tan थीटा को ये चेंज कर दिया, और यहां पे क्या था tan इनवर्स था। ठीक, अब आगे समझिए, cos का इसमें हम गुणा करेंगे और cos को ऊपर भी भेज देंगे या इससे कैंसिल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos का गुणा करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा और नीचे cos हो जाएगा, और यहां पे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा तो बिल्कुल काट लेंगे उसको, और नीचे बचेगा क्या sin थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और यहां पे टेन इनवर्स। समझ में आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट मोड में बता रहा हूं, फिर भी सरल तरीके से ही बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे कॉस है, यहां पे साइन है, इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अपवर्त में लगाना पड़ेगा। कैसे, वन माइनस कॉस थीटा पर और क्या होता है, वो होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, वन माइनस कॉस थीटा का, बट साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। जितने भी विद्यार्थी को फॉर्मूला पता है वो जल्दी जल्दी से कर लेंगे, जिसको नहीं पता है वो समझेंगे कि कैसे करना है, आप फॉर्मूला ढूंढ लीजिएगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर बताना है तो चलिए यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि वन माइनस कॉस थीटा बराबर होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है, और कॉमा साइन थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैंने बगल में लिख दिया है फॉर्मूला करके। ठीक है, क्योंकि आप सभी का कमेंट आता है कि सर कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप उसे लिखते चलिए, इसलिए मैं ये लिख दिया। यहां तक सिंपल है। अब देखिए आगे करना क्या है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू, तो यहां पे टू से टू कैंसिल, साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू कट जाएगा, एक बार ऊपर बचेगा, बचेगा तो वही चीजें हमें यहां पे करना है, तो ये हो जाएगा ऊपर साइन थीटा बाई टू ऊपर बचेगा, नीचे कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू, और यहां पे टेन इनवर्स। ठीक है, ये टू से टू कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर से साइन एक बार इससे कैंसिल होगा, एक बार ऊपर बचेगा, एक बार ये बचेगा, ये मैंने कर लिया। आगे टेन इनवर्स ये हो जाएगा टेन थीटा बाई टू, समझ में आ रहा है, साइन थीटा बाई टू बटे कॉस थीटा बाई टू बराबर टेन थीटा बाई टू। ठीक है, तो टेन से टेन कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, थीटा बाई टू बचेगा, तो लिखेंगे थीटा बाई टू। तो यहां तक आंसर मत कीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर मिलेगा लेकिन कम नंबर मिलेगा। अब इसके आगे समझिए हमें क्या करना है, इसके माना क्या था, मैंने माना था एक्स बराबर टेन थीटा, तो यहां पर हम थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो जो थीटा था वहां पे हमें टेन इनवर्स एक्स यूज करना है। ठीक है, तो मैंने फाइनली में क्या निकाला था, थीटा बाई टू निकाला था, तो थीटा के स्थान क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई टू है तो वन अपॉन टू आगे कर लीजिए, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड, 18 का दूसरा है, टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर जो दिख रहा है इसको क्या चेंज करते हैं कि वो टेन के रूप में चेंज होकर वो सरल हो जाए, तो उसके लिए हम इसको सेक रखेंगे, एक्स बराबर सेक थीटा रखने पर। ठीक है, क्या रखेंगे, सेक थीटा रखेंगे, तो यहां से अगर थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, ये दो चीजें हमें मान प्राप्त हो जाएगा, एक एक्स का वैल्यू एक थीटा का वैल्यू। ठीक है, चलिए ये मान उठा के रखते हैं, टेन इनवर्स
ब्रैकेट में वन अपॉन रूट, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, आगे समझिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन अपॉन टेन स्क्वायर होगा, रूट से बाहर होगा तो केवल हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स वन अपॉन टेन बराबर होता है कॉट थीटा, तो इसको हम कॉट थीटा में चेंज कर देंगे। सिंपल है, मैंने चेंज कर दिया कॉट थीटा में। अब इसके आगे समझिए क्या करना है, कॉट थीटा को चेंज करना है। टेन इनवर्स कॉट थीटा का फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। समझ में आ रही बात है, फॉर्मूला होना चाहिए पता आपको कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को मैंने ये लिख दिया। सिंपल समझ में आ गया। अब आगे समझिए, टेन से टेन कैंसिल, क्या बचा, बचा एक्स बाई टू माइनस थीटा बचा, तो एक्स बाई टू माइनस थीटा के स्थान पर मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां पे रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स बाई टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये मैंने रख लिया। तो समझ में आया बातें, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए थर्ड बताते हैं इसका, इसमें लिखा है टेन इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही बता देते हैं हम। ठीक है, क्या वन माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, और नीचे वन प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये दोनों फॉर्मूला कहां से उत्पन्न हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, कॉस टू थीटा से और यहां पे भी कॉस टू थीटा से, इन दोनों से फॉर्मूला ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए ये दोनों मान हम इसमें रखेंगे टेन इनवर्स। ठीक है, अब ब्रैकेट में हो गया रूट, ऊपर क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऊपर ऊपर कॉस का है तो हम कॉस का लगाएंगे। ठीक है, बाकी सब सही है, वन प्लस कॉस एक्स बराबर ये फॉर्मूला होगा, ये माइनस का ये फॉर्मूला होगा, मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला में मिस्टेक किया था लेकिन अब क्लियर है, मिला लीजिए फिर से। वन प्लस कॉस एक्स बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, वन माइनस कॉस एक्स बराबर होगा टू साइन एक्स बाई टू, तो ऊपर है वन माइनस कॉस एक्स, नीचे वाला फॉर्मूला दिख रहा है तो ये लगाएंगे टू साइन एक्स बाई टू। ठीक है, तो मैं क्या किया टू साइन ये स्क्वायर स्क्वायर रहेगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, अब नीचे क्या करेंगे ये फॉर्मूला लगाएंगे टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, फॉर्मूला देखिए यही रहेगा, सिंपल है, इसकी बात समझिए, टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, टेन इनवर्स रूट में हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर जो है रूट से बाहर आएगा, टेन इनवर्स ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। ठीक है, टेन से टेन यहां पे हम कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा केवल एक्स बाई टू बचेगा, बस समझने की बात है, ये आंसर हो जाएगा। समझने की बात है आपको, ये फॉर्मूला फिर से क्लियर कर देते हैं, वन प्लस कॉस एक्स बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, वन माइनस कॉस एक्स बराबर होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसी से सारा फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखिए इसमें क्या लिखा है, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स पावर तीन ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, और यहां पे कुछ कंडीशन दिया है। ठीक है, तो यहां पर जो दिख रहा है ये टेन थ्री ए का फॉर्मूला की तरह हमें दिख रहा है कि टेन थ्री ए का जो फॉर्मूला होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो होता है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, उसके रूप में हमें ये दिख रहा है, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे मानेंगे, माना एक्स बराबर ए टेन थीटा रखने पर। ठीक है, रख लेते हैं एक्स के स्थान पे हमें रखना है। ठीक है, टेन इनवर्स तो ये हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर, एक्स के स्थान पे रखेंगे ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा का होल क्यूब। ठीक है, अपॉन में आते हैं ए क्यूब माइनस थ्री ए ए टेन थीटा का स्क्वायर, ये मैंने कर लिया। अब इसके आगे समझिए क्या करना है आपको, इसका गुणा कर देना है, इसका दोनों पे क्यूब लगा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्री ए क्यूब हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए क्यूब हो जाएगा, और यहां पे टेन थीटा
माइनस ए क्यूब और टेन क्यूब थीटा हो जाएगा। नीचे ए क्यूब और माइनस गुणा करेंगे थ्री ए स्क्वायर, इसका एक यहाँ पे मिलके एक क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से हो गया। और आगे हमारा है टेन इनवर्स। समझ में आ रही बातें? अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ कॉमन करके हल करना पड़ेगा। क्या चीजें? एक क्यूब कॉमन करना है, नीचे भी एक क्यूब कॉमन करना है। तो ये हो गया टेन इनवर्स। एक क्यूब कॉमन करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ पे भी एक क्यूब कॉमन करेंगे बाहर से, नीचे एक क्यूब, तो क्या बचेगा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से मैंने दोनों में कॉमन कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों से, ऊपर से नीचे से दोनों से कॉमन कर दिया। ये आपस में कैंसिल। अब देखिए टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। हम नीचे फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया है। टेन थ्री थीटा बराबर होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज करेंगे, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा का ये फॉर्मूला होता है। मैंने कर लिया, टेन से टेन कैंसिल, बचेगा केवल थ्री थीटा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री इंटू, अब थीटा के स्थान पर क्या रखना है, हम आगे चलते हैं ऊपर। एक्स बराबर ए टेन थीटा मैंने माना था, तो अगर थीटा बराबर ज्ञात करेंगे, यहां से केवल थीटा बराबर हम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिल जाएगा थीटा बराबर ए को भेजेंगे एक्स बाई ए हो जाएगा टेन इनवर्स। ठीक है, मतलब टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा क्या, थीटा के बराबर। थीटा को छोड़ेंगे तो ए नीचे चला जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए मिल जाएगा। ठीक, यही चीजें हम पुट करेंगे, क्या हो जाएगा थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए, इस तरह से ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए पांच नंबर देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री। देखिए साइन से साइन तो यहां पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, टू पाई बाई थ्री आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं, सीधे बोल देंगे टू पाई बाई थ्री हमारा आंसर है, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल, टू पाई बाई थ्री बचा, ये हमारा आंसर। इस तरह करेंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हमें क्वेश्चन नंबर वन और टू जो दिख रहा था उस तरह सॉल्व करना है। इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर वन और टू क्या था, मुख्य शाखा ज्ञात करना था। ठीक है, किसी भी फलन का मुख्य शाखा ज्ञात करना था, उसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स की मुख्य शाखा क्या, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। ठीक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होगा। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, प्रश्नावली वन टू ए में ही बता दिया था कि साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा आएगा वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक आएगा, और कॉस का अलग बताया था, तो इसके अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, समझिए हमारा क्वेश्चन था साइन इनवर्स टू पाई बाई थ्री, ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अनुसार देखिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन टू पाई बाई थ्री को क्या लिखेंगे, लिखेंगे पाई माइनस टू पाई बाई थ्री। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये हमारा मुख्य शाखा के अनुसार ज्ञात हो रहा है। ठीक, अब साइन से साइन हम कैंसिल करेंगे, यहां पे थोड़ा सा ब्रैकेट करेंगे और यहां पे साइन, साइन पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, साइन से साइन कैंसिल होगा, अब ये हो जाएगा पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, इस तरह से ये हो जाएगा। थ्री से गुणा करेंगे थ्री पाई माइनस टू पाई अपॉन थ्री, घटा देंगे केवल हो जाएगा पाई बटे तीन, ये हो जाएगा आंसर। अब यहां पे आप छोड़ सकते हैं, पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर छह देखिए, इसमें भी देखिए वही चीज दिख रहा है, अठारह का छठे में टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर, तो यहां पे भी टेन थ्री पाई बाई फोर है, तो हमें लिखना पड़ेगा टेन इनवर्स की मुख्य शाखा क्या है। इसका मुख्य शाखा आपको पता होना चाहिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। ठीक है,
ये मुख्य शाखा आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप समझ में नहीं आएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, जो हमारा रेगुलर क्लास करता होगा वो विद्यार्थी अच्छे से समझ रहा होगा। जो पहली बार हमारे ये वीडियो को देख रहा होगा उसको समझ में कम आएगा इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके बन जाइए ताकि मैं सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करा सकूं। अब ये हो गया, अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे टेन इनवर्स, टेन क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई फोर, ये और यहां पे, ठीक है। पाई माइनस पाई बाई फोर, फोर पाई में से पाई घटा देंगे तो फोर पाई में से पाई घटाएंगे थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा, थ्री पाई बाई फोर दिख रहा है, ये हो गया। अब टेन से टेन कैंसिल, देखिए कैंसिल तो करेंगे लेकिन उसके पहले आपको एक चीजें समझना है, क्या टेन पाई मतलब 180 माइनस थीटा, क्या चीजें टेन 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा, तो वहां पे ये भी लिखना पड़ेगा टेन इनवर्स, टेन 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा, थीटा के स्थान पे ये वैल्यू है तो वो मैंने रख दिया। अब टेन से टेन कैंसिल, बचेगा क्या माइनस पाई बाई फोर बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 18 का 7, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो उलझ जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बझा सकता है आप लोगों को, ठीक है। समझिए यहाँ पे जो चीजें लिखा है वो टेन लिखा है, इनवर्स यहाँ पे नहीं है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट 3/2 ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मानकर हल करेंगे, मान लीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 जो हमारा लिखा है साइन इनवर्स 3/5 इसको हम मान लेते हैं थीटा के बराबर, मान लिया। तो यहां से अगर साइन को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/5 साइन थीटा बराबर 3/5 साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, ये मैंने दो चीजें ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला होगा यहाँ पे साइन थीटा बटे क्या होगा कॉस थीटा होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूं सिंपल, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन ये जो कॉस थीटा है इसको मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, कैसे इसको लिखेंगे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये इस तरह से मिल जाएगा। तो इस चीजों को मैंने इस रूप में लिख लिया, समझ में आ गया बातें। अब आगे समझिए साइन थीटा बराबर मैंने निकाला 3/5 तो ये हो जाएगा 3/5 बटे के रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, तो साइन का वैल्यू रखेंगे 3/5 तो उसका स्क्वायर करेंगे 9/25 हो जाएगा, ये टोटल किसके बराबर आ रहा है टेन थीटा के बराबर ही निकल रहा है। आगे हल करेंगे 3/5 25 में से 9 गया 16/25 16/25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4/5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे, किसको किसको कैंसिल करेंगे, हम 5 से 5 को कैंसिल करेंगे 3/4 बचेगा 3/4 और ये किसके बराबर आ रहा है ये बराबर आ रहा है टेन थीटा के। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि टेन थीटा का मान हमने 3/4 निकाला हुआ है और थीटा का बराबर यहाँ पे निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4 आ जाएगा, समझ में आ गई बातें। देखिए टेन थीटा बराबर 3/4 मैंने निकाला और अगर थीटा निकालेंगे तो टेन इनवर्स को इधर भेजना पड़ेगा टेन इनवर्स 3/4 इस तरह से मिल गया, ठीक। अब ये थीटा के बराबर है ये चीजें हैं तो चलिए रख लेते हैं, थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4 हो गया और यही चीजें ऊपर देखिए थीटा के बराबर ये भी है, क्या है साइन इनवर्स 3/5 तो क्या हम इसको भी बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि थीटा के बराबर ये है तो वही बराबर ये भी होगा साइन इनवर्स 3/5 भी होगा क्योंकि ये भी थीटा के बराबर है ये भी थीटा के बराबर है, इस चीजों को आपको ध्यान देना है, ठीक। अगर ये दोनों थीटा के बराबर है तो हम क्या कहेंगे, हम साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स 3/4 के बराबर भी कहेंगे, समझ में आ रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं ये लिखने का मेरा मतलब क्या है, इसका लिखने का सिंपल मतलब है कि साइन इनवर्स 3/5 को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक। कहां पे यूज करना है क्वेश्चन में देखिए, देखिए साइन इनवर्स 3/5 ये दिख रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे
टेन इनवर्स 3/5/4 लिखेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या था, टेन, और यहां पे था साइन इनवर्स 3/5 था प्लस कॉट इनवर्स 3/2 था, यही क्वेश्चन था। ऊपर जो मैंने जितना मैटर किया वो केवल इसको बराबर करने के लिए किया। समझ में आ गया बातें, मैं क्यों किया इतना सॉल्व, केवल इसको बराबर करने के लिए। अब देखिए, अब यहां पे है केवल 10, तो इसको छोड़ देंगे, केवल 10 ब्रैकेट में। साइन इनवर्स 3/5 को लिखेंगे क्या, ये चीजें, टेन इनवर्स 3/4 अब प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये मैंने कर लिया। ठीक है, अब देखिए, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इस तरह से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंजेस करेंगे। चलिए इसको कर लेते हैं, क्यों ना हम इस कॉट को टेन में चेंज कर लें, कैसे होगा समझिए। टेन, टेन इनवर्स 3/4 अब प्लस, इस कॉट को हम टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो इसके एंगल को बस पलट दीजिए, 2/3 हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एंगल को पलट देंगे तो इसका जो वैल्यू है वो उसके अपवर्त में चेंज हो जाएगा। अब यहां पे है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, यहां पे आप लगाएंगे तो ये हो गया टेन ब्रैकेट में टेन इनवर्स, फॉर्मूला लगाते हैं 3/4 अब प्लस 2/3 बटे 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो चलिए हम अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहां तक कर लिया था सॉल्व, अब एलसीएम लेंगे और हल करेंगे। ये हो गया टेन ब्रैकेट में टेन इनवर्स, हल कैसे करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 12, तो 3 × 9 4 × 2 = 8, 9 प्लस 8 बटे 4 × 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 × 12 माइनस 3 × 6 / 12। ठीक है, आगे समझिए, 12 से 12 कैंसिल, ठीक है, क्या बचा, 9 8 को जोड़ दीजिए, 12 में से 6 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन ब्रैकेट में टेन इनवर्स 17/6 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 को कैंसिल करेंगे, एक इनवर्स में एक 10 में है, तो ये हो जाएगा 17/6, तो यहां पर ये आपका आ जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली जो 2A है इसमें 18 क्वेश्चन मौजूद था, मैंने टोटल के टोटल 18 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इसके लिए मैंने टोटल 5 पार्ट का वीडियो बनाया है, पार्ट 5 तक मैंने 18 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अगर पांचों पार्ट आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको दिखेगा क्लास 12 हर्षरूप शर्मा द्वारा लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको पूरा का पूरा प्रश्नावली दिख जाएगा, 1A से लेके प्रश्नावली 2A के पूरे 5 पार्ट तक। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, प्रश्नावली 2B इसको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्री में हम पढ़ा सके, आपसे बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, बस आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ये भी बिल्कुल फ्री होता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादातर फोकस करें स्टडी में, जहां पे प्रॉब्लम होता है वहीं पे कमेंट करें तो आपको बेटर पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।